बेन एंड ब्रॉनी, बेन बेन का अर्थ होता है नाम है ये, बेन एंड का अर्थ होता है, और बरोनी, बरोनी भी नाम है। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में अभी हम अंग्रेजी का हिंदी करने जा रहे हैं। दिस इज बेन, दिस का अर्थ होता है यह, इज का अर्थ होता है बेन, बेन एक नाम है यानी यह एक बेन है। ही लिव्स इन ए सिंपल हाउस, ही का अर्थ होता है वह, लिव्स का अर्थ होता है रहता है, इन का अर्थ होता है में, ए सिंपल हाउस एक साधारण घर, यानी बेन जो है एक साधारण घर में रहता है। बेन हैज ए बिग ब्राउन हैन, बेन हैज का अर्थ होता है उसके पास, ए बिग एक बड़ा, ब्राउन ब्राउन का अर्थ होता है भूरा, और हैन हैन का अर्थ होता है मुर्गी, यानी बेन के पास एक भूरी मुर्गी है। ही कॉल्स हर ब्रोनी, ही का अर्थ होता है वह, कॉल्स का अर्थ होता है उसे पुकारता है, हर का अर्थ होता है उसे ब्रोनी, यानी कि वह उसे ब्रोनी के नाम से पुकारता है। ब्रोनी हैज सम किक्स, ब्रोनी ब्रोनी नाम है उस मुर्गी का, हैज का अर्थ होता है पास, सम चिक्स यानी ब्रोनी के पास कुछ चिक्स हैं, यानी कुछ उसके बच्चे हैं। बेन गिव्स ब्रोनी सम कॉर्न, बेन बेन नाम है वो लड़का का, गिव्स देता है ब्रोनी को सम कॉर्न, सम का अर्थ होता है कुछ, कॉर्न का अर्थ होता है अनाज, यानी बेन जो है ब्रोनी यानी वो जो मुर्गी जो है उसको कुछ अनाज देता है। ही गिव्स द चिक्स सम राइस, ही का अर्थ होता है वह, गिव्स का अर्थ होता है देता है, द चिक्स यानी वो जो चूजा जो है उसे वो कुछ, सम का अर्थ होता है कुछ, राइस का अर्थ होता है चावल, यानी वो जो ब्राउनी जो है मुर्गी जो है उसका जो चूजा है चिक्स जो है उसको वो चावल भी देता है। तो आप लोग को अंग्रेजी का हिंदी करने आपको आया होगा, यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल के पिछले वीडियोज को भी देखें, हम अंग्रेजी सीखने वाला बहुत सारे वीडियो लेके आए हुए हैं जो आपको अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा मदद।